हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे, 7 मई ट्यूसडे है आज, तो करंट अफेयर्स हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी, बैंकिंग, यूपीएससी, एनवीएस, ठीक है, सीडीएस, एसएससी, तो आप हमें हमारे इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108। जो आपको स्टडी मटेरियल आप हमें इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा तैयार है, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया कोरियर के द्वारा मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू सेंड ए प्रोब टू स्टडी द सन इन 2020? कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि एक प्रोब सेंड करने की प्लान कर रही है? क्या वो प्रोब क्या करेगा? स्टडी करेगा सन की, यानी कि सूरज की, 2020 में। इसरो, नासा, सीएनएसए या रोसकोस्मोस? तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इज प्लानिंग टू सेंड ए प्रोब टू स्टडी द सन अर्ली इन 2020। द सैटेलाइट वुड बी इन ए हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1, L1 यानी कि लाग्रेंजियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, सो दैट इट हैज एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑक्लूजन और एक्लिप्स। द L1 इज 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लान कर रही है एक प्रोब करने के लिए, ताकि वो स्टडी करे सन की 2020 में। सैटेलाइट जो है वो हेलो ऑर्बिट में होगा, जो कि L1 पॉइंट है उसके चारों तरफ सन अर्थ सिस्टम के। इससे क्या एडवांटेज होगा? वो सन को देख पाएगा बिना किसी एक्लिप्स के, ग्रहण के। जो L1 है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। Which financial institution has imposed fines on prepaid payment instruments issuer for violating norms? कौन सा financial institution है जिसने fines impose किया है prepaid payment instrument issuer पर, जो कि rules को violate कर रहे हैं? तो वो किया है RBI ने। तो the Reserve Bank of India यानी कि RBI on May 3, 2019 announced that it has imposed penalties on 5 prepaid payment instruments, PPI यानी कि prepaid payment instrument पर इन्होंने पेनल्टी लगाई है। वो कौन कौन है? वोडाफोन, एम्पेसा, फोन पे भी है ये, जिन्होंने रेगुलेटरी नॉर्म्स को वायलेट किया है। अगला देखते हैं। स्टीवो पंदर वॉक्सी हैज वॉन द रन ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? जो स्टीवो है, जिसने की रन ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, तो वो कौन सी नेशन से है? तो वो नेशन है नॉर्थ मैसिडोनिया। तो स्टीवो सपोर्टेड बाय द रूलिंग सोशल डेमोक्रेट्स SDSM हैज वॉन द नॉर्थ मैकेडोनियन प्रेसिडेंसी इन ए रन ऑफ वोट कंडक्टेड ऑन 5 मई 2019। ये 5 मई को हुआ। द 56 ईयर ओल्ड गारंटेड 51.66% ऑफ द वोट। इन्होंने कितने वोट लिए? 51.66% बीटिंग द नेशनलाइज। और किसको हराया है इन्होंने? गोर्डाना सीजी वोक्सा डवोकोवा को उन्होंने हराया है, जिनको वोट मिले हैं 44.73%। जो रिमेनिंग है 3.61% वो वोट्स वोट थे। हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंसीज हैव गोन टू पोल्स इन उत्तर प्रदेश इन फिफ्थ फेज ऑफ लोकसभा पोल्स? कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने जो पोल्स किया है उत्तर प्रदेश में फिफ्थ फेज ऑफ लोकसभा पोल्स में? तो वो है 14। तो इन द फिफ्थ फेज ऑफ पोल्स इन उत्तर प्रदेश द पोलिंग हैज बिगन इन 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंक्लूडिंग कौन कौन से वो 14 लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, कौशाम्बी, गोंडा, बांदा, फतेहपुर, फैजाबाद, मोहलगंज, किशनगंज, दोराहरा, बाराबंकी एंड बराज। तो द पोलिंग विल डिसाइड द फेट ऑफ ए टोटल ऑफ 182 कैंडिडेट है जो यहाँ से उठे हैं। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, एसईसी महानसे यहाँ से उठी हैं। The United States has decided to deploy a carrier strike group and a bomber task force in the Middle East as a warning message to which nation? United States ने decide किया कि वो एक carrier strike group और एक bomber task force deploy करेगी Middle East में, किस लिए? एक warning message के तौर पे। तो वो कौन से देश को warning है? वो है ईरान को। तो यूनाइटेड स्टेट इज डिप्लॉइंग द USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एंड ए बॉम्बर टास्क फोर्स टू द मिडल ईस्ट इन रेस्पॉन्स टू ए नंबर ऑफ ट्रबलिंग एंड एस्केलेटरी इंडिकेशंस एंड वार्निंग फ्रॉम ईरान। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन अनाउंस ऑन May 5, 2019। द फिफ्थ फेज ऑफ ए लोकसभा इलेक्शन 2019 शो पोलिंग इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? जो फिफ्थ फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन है 2019 का, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसमें पोलिंग हुआ? तो वो है टोटल 51।
The voting of the fifth phase of Lok Sabha election 2019 was held on 6th May. 6 मई को हुआ. 51 constituencies के लिए जो 7 states की थी, 14 seats थी जिसमें उत्तर प्रदेश की, 12 राजस्थान की, 7 मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 5 बिहार, 4 झारखंड. जम्मू कश्मीर में पोलिंग पुलवामा में हुई एंड शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग एंड लद्दाख constituencies में हुई. The Indian Naval recently launched the fourth Scorpion class submarine of Project 75, named the submarine. जो Indian Navy है, उन्होंने हाल ही में एक fourth Scorpion class submarine project जो 75 का वो launch किया, तो उसका नाम आपको बताना है. उसका नाम है INS Vela. Indian Navy on 6 May 2019 launched the fourth Scorpion class submarine of Project 75, INS Vela, at the Kanhoji Angre Weight Basin of Mezagon Dock Limited at Mumbai, Maharashtra. The submarine will now undergo rigorous trials and tests in the both harbor and sea phases before induction to the Indian Navy. जो submarine है उसका दोनों तरीके से जो test होगा, trials होंगे अभी harbor पे और sea phase पे भी. Which personality recently invested in Ola Electric Mobility, the electric vehicle business of cab aggregator Ola? कौन सी personality ने अभी हाल ही में Ola Electrical Mobility invest की है? ये electrical vehicle business है cab aggregator Ola का, तो ये है रतन टाटा. रतन टाटा chairman है टाटा सन्स के. इन्होंने इन्वेस्ट किया है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस ऑफ कैब एग्रीगेटर ओला के लिए है. द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर नॉट डिस्क्लोज. टाटा इज ओनली एन अर्ली इन्वेस्टर इन एएनआई टेक्नोलॉजी. एएनआई टेक्नोलॉजी ओला का ही नाम है, जो ओला की पेरेंट कंपनी है. ही हैड इन्वेस्ट इन एएनआई टेक्नोलॉजी इन 2015 से इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. विच इंडियन रेसलर बैग्ड गोल्ड मेडल इन 2019 अली वेव रेसलिंग टूर्नामेंट. जो अली ये रेसलिंग टूर्नामेंट है 2019 का, उसमें गोल्ड मेडल कौन से इंडियन ने जीता है? तो वो जीता है बजरंग पुनिया. वर्ल्ड नंबर वन बजरंग पुनिया ऑन 2 मई 2019 जिन्होंने जीता गोल्ड मेडल आफ्टर डिफीटिंग दे विक्टर रेसिडियन को. Which country topped the recently released ICC Test Team Ranking? कौन सी कंट्री ने टॉप किया ICC Test Team Ranking में? तो वो किया है इंडिया ने. The International Cricket Council यानी कि ICC 2 मई को जो रिलीज हुआ था अपडेटेड MRF ICC टेस्ट और ODI रेस्टिंग, उसमें इंडिया ने अभी टॉप किया है. Which Indian Navy ship will be decommissioned soon after having served of 36 year? कौन सी इंडियन नेवी शिप है जो अभी उसको डीकमीशन किया जाएगा, उसको यूज नहीं किया जाएगा, उन्होंने 36 साल से थी. ये है INS रंजीत. अगला देखते हैं. Who among the following was recently awarded with the France Highest Civilization Award? कौन अभी हाल ही में किसको अवार्ड मिला है फ्रांस हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड का? तो वो मिला है एएस किरण कुमार को. एएस किरण कुमार को ये अवार्ड मिला है. इसरो प्लान्स टू लॉन्च विच अमंग द फॉलोइंग सैटेलाइट बाय एंड ऑफ द मे 2019. इसरो प्लान कर दिए कि सैटेलाइट लॉन्च करेगी, तो वो कौन सा प्लान कर दिया, इसका नाम क्या है जो कि एंड ऑफ मे तक लॉन्च हो जाएगा? तो वो है RISET-2BR-1. India is planning to launch its latest radar imaging satellite. यानी कि RISET radar imaging satellite है ये 2BR-1 towards the end of the May 2019 को launch हो जाएगा. ये one of the variant है polar satellite launch vehicle का, जिसको हम PSLV rocket बोलते हैं. Satellite RISET-2BR-1 is expected to be launched aboard one of the reusable PSLV rocket on 22 मई को हमने ये जो है expect किया कि launch हो जाएगा as per the official of ISRO. When was the World Press Freedom Day 2019 observed? जो World Press Freedom Day 2019 का वो कब observe किया जाता है? तो वो observe किया जाता है 3 मई को. According to a new Supreme Court ruling, who can file a dowry harassment complaint on behalf of the victim? जो नया rule है Supreme Court का, उसके अनुसार अगर कोई dowry harassment complaint है, तो वो victim के behalf पे कौन कर सकता है? कोई भी relative भी कर सकता है. Who among the following boycotted the proceedings of the in-house Supreme Court panel? इनमें से जो कौन सा, आपको ये बताना है कि किसकी proceeding हुई है in-house Supreme Court panel में? तो वो है complainant.
The Chief Justice of Indian Ranjan Gogoi on 1st May 2019 had a meeting with the three members in House Supreme Court Committee that was looking into the allegation of the sexual harassment leveled against him by a former woman employee of the court. The move comes after the complainant of the April 30 decided to boycott the proceedings of the in-house panel set up by the Apex Court to inquire into the charges. तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं के साथ, तब तक बने रहिए स्टडी पोर्टल के साथ। थैंक यू।